हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मच अवेटेड वीडियो होने वाला है। जी हाँ, जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ है तब से बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीसी के लिए ऑफिशियल लॉन्च करना चाहिए। अभी तक जो पीसी में फ्री फायर हम लोग खेलते थे वो इम्युलेटर के द्वारा खेलते थे, मतलब वो ऑफिशियल वर्जन नहीं था। वो जो मोबाइल वाला एंड्रॉइड का वर्जन था वही पीसी पे खेलते थे हम लोग इम्युलेटर में यूज करके। बट गूगल ने यहाँ पे फ्री फायर ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है पीसी के लिए और मैंने यहाँ पे पीसी वर्जन इंस्टॉल करके ट्राई किया है और इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, रिव्यू बताने वाला हूँ और आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपनी पीसी में फ्री फायर पीसी, उसकी भी पूरी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्री फायर मैक्स के ऑफिशियल पीसी वर्जन पे आ गया हूँ। ये मैं कोई एमुलेटर पर नहीं खेल रहा है, ना ये ब्लू स्टैक्स है, ना ये MSI है, ये खुद मैं यहाँ पे फ्री फायर पीसी के ऊपर खेल रहा हूँ। मैं आपको मिनिमाइज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर का खुद का विंडो यहाँ पे चल रहा है और फ्री फायर जहाँ से मैंने इंस्टॉल किया है गूगल प्ले गेम्स या बीटा वर्जन पे है उसके ऊपर से मैंने इंस्टॉल किया और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है फ्री फायर जो पीसी वर्जन ये ऑफिशियल आया है और जो हम इतने टाइम से एमुलेटर पे खेल रहे हैं उस वर्जन में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे यहाँ पे हेडशॉट लगते हैं, क्या क्या सेटिंग लगती है इस पे। बट सबसे पहले फ्री फायर पीसी कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको बंद करते और ये गूगल प्ले गेम्स आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से इसको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल प्ले गेम्स, ठीक है। यहाँ पे सर्च मिल जाएगा आपको और ऑलमोस्ट आपको सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी play.google.com पे। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको डाउनलोड बीटा करके एक ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आपको। इतनी कुछ यहाँ पे बड़ी फाइल नहीं है, यहाँ पे फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको फटाफट से इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। और जैसे आप लोग प्ले गेम्स इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आपको फ्री फायर नहीं दिख रही तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप लोग फ्री फायर। अगर आपको दिखती है तो यहाँ पे सीधा आप लोग क्लिक कर सकते हो और क्लिक करके यहाँ पे प्ले का ऑप्शन मेरे पे आ रहा है, आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आपको इंस्टॉल कर देना है फटाफट से। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा डाउनलोड हो रहा है गेम और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा अपने आप इंस्टॉल भी हो जाएगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 मिनट तक और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग गेम खेल पाओगे। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप लोग गेम इंस्टॉल करके प्ले करोगे आपको ऐसा एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, इसमें लिखा होगा टर्न ऑन वर्चुअलाइजेशन सेटिंग। तो अगर आप यस करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइपरवाइजर करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और ये छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है, ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा और आराम से आप लोग फ्री फायर पीसी पे खेल सकते हो। बट ये चीज इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, अगर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आप लोग कोई भी इम्युलेटर चालू नहीं कर पाओगे। यहाँ पे MSI पे खेलते हो या फिर ब्लू स्टैक्स में आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आप लोग वो इम्युलेटर ओपन नहीं कर पाओगे। आप जैसे यहाँ पे ब्लू स्टैक ओपन करोगे आपको ऐसा एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे यही लिखा होगा कि हाइपरवाइजर को आपको एनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग चालू कर पाओगे ब्लू स्टैक्स। और इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, उसका टेंशन नहीं है। बट एक बात याद रखना, आप लोग एक टाइम पे फ्री फायर या फिर पीसी पे खेल पाओगे जो यहाँ से इंस्टॉल कर रखी है या फिर आप लोग ब्लू स्टैक्स में से खेल पाओगे। तो ब्लू स्टैक्स को वापस से चालू कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट पहले जो यहाँ पे प्ले गेम से हमने फ्री फायर इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं कैसे चालू होता है और कैसे यहाँ पे गेम चलती है। तो यहाँ पे मैंने फ्री फायर मैक्स ओपन कर लिया और मैंने मेन आईडी से ही लॉगिन किया है और ये बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गरेना ने ऑफिशियल लॉन्च किया है तो आपकी आईडी बैन करने का चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो फटाफट से मैं पहले यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे फ्री फायर जो पीसी ऑफिशियल लॉन्च हुआ है और एंड्रॉइड पे हम लोग जो खेलते थे एमुलेटर लगा के। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है यहाँ पे डिफॉल्ट में जो सेंसिटिविटी मिलती है वो सब कुछ 50 मिलती है और अगर आप चाहो तो यहाँ पे 100 कर सकते हो जनरल को। और ये जो 50 वाली सेंसी है ना वो मेरे लिए बहुत ही कम है, मैं यहाँ पे टेस्ट कर लिया ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। तो आप भी जब इंस्टॉल करो तो एक बार टेस्ट कर लेना कि आपकी सेंसी कितनी है। अगर आप लोग लो सेंसी पे खेलते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सेंसी हो सकती है, बट मेरे लिए जो मैं हाई सेंसी पे खेलता हूँ उसके लिए ये बहुत कम सेंसी है। अगर आप लोग 100 भी कर देते हो तब भी मेरे को तो कम लग रही थी। कोई नहीं, उसके बाद जो मेन यहाँ पे सेटिंग है जो सबसे बड़ा चेंज है वो की मैपिंग में। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है कीबोर्ड, जो सिर्फ यहाँ पे पीसी वर्जन में ही मिलेगा आपको। फोन पे ये वाली सेटिंग आपको कहीं पे नहीं देखेगी। और यहाँ पे आप लोग सारी सेंसिटिविटी देख सकते हो, कैसे ग्लो वॉल लगानी है, फॉरवर्ड लेफ्ट जंप के लिए कौन से बटन असाइन कर रखे हैं और इन सब बटन को आप लोग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे F पे दिया है तो मेरे को अगर N करना तो यहाँ पे मैं N रख दूंगा तो N पे हो जाएगा पिकअप पे। तो यहाँ पे सारे जो बटन दूसरे वो सारे आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप लोग जैसे खेलते हो। बट यहाँ पे की मैपिंग में भी बहुत सारी लिमिटेशन है, या जैसे आप लोग माउस की से यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते वेपन। उसके बाद मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, इसमें आपको बेसिक दिखा रहा हूँ कौन सी सेटिंग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले में ग्राफिक्स देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मैक्स ग्राफिक्स रखा हुआ है सारे।
और मुझे यहाँ पे कोई भी लैग या फिर कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला, FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। गेम काफी ऑप्टिमाइज है अभी बीटा वर्जन में, फिर भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज बहुत अच्छी की है उन लोगों ने। तो अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो आप लोग आराम से गेम खेल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पीसी में यहाँ पे इम्यूलेटर में भी लैग नहीं होता था फ्री फायर, तो इसमें भी नहीं होगा। जो मेरे यहाँ पे लो एंड पीसी वाले भाई लोग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना ये वाली गेम और मेरे को बताना कि यहाँ पे लैग हो रहा है या फिर आपको ज्यादा FPS देखने को मिलता है ये वाले पीसी वाले वर्जन में या फिर नहीं। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हो तो आपको एक गेम ऑप्शन करके डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम सेट कर सकते हो और मेन चीज यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो। अगर आपका अच्छा पीसी नहीं है, लो एंड पीसी है, तो अगर आप लोग QHD या फिर HD पे खेलते हो तो आपको लैग कम देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है लो एंड पीसी के लिए कि फ्री फायर मैक्स आप लोग लो एंड पीसी में भी खेल पाओगे। उसके बाद यहाँ पे गेम कंट्रोल्स का भी ऑप्शन है, तो जो की मैपिंग आपको मैंने गेम में दिखाई वही सेम चीज यहाँ पे है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और माउस की सेटिंग भी यहाँ पे दी गई है, बट यहाँ से आप लोग कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो आप लोग। तो ये थे यहाँ पे गेम ऑप्शंस जो कि ट्रिगर करते हैं शिफ्ट प्लस टैब दबा के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्री फायर पीसी का ओवरव्यू आपको दिखा दिया, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे खेलनी है गेम, कैसे यहाँ पे ग्राफिक्स रखने अंदर, कैसे आपको की मैपिंग सेट करनी है और भी बहुत सारी चीज है। यहाँ पे सेंसिटिविटी कौन सी सेट करनी है, सबसे बेस्ट सेंस इसके लिए कौन सी है, इसमें कौन सी आपको ट्विक्स रखनी है, इसमें आपको एक्स एंड वाई DPI कैसे सेट करनी है, अगर वो सब चीज आपको जाननी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दूसरी वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको फ्री फायर पीसी के ऊपर वीडियो फटाफट से चाहिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, तो मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है ये वाले टॉपिक के अंदर। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था ब्लू स्टेक्स वाला के ब्लू स्टेक्स में ये एरर आ रहा है, उसको कैसे फिक्स करना है, तो उसके लिए आप लोग दो चीज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हाइपर वी एनेबल कर सकते हो, बट अगर आप लोग हाइपर वी एनेबल करोगे तो उसके बाद ये वाली जो फ्री फायर मैक्स पीसी है वो चालू नहीं होगी। तो अगर आपको दोनों चलाना है, ब्लू स्टेक्स चलाना है, फ्री फायर मैक्स पीसी भी चलाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले हाइपर वी कैसे एनेबल करते हैं वाली मेथड आपको दिखा देता हूँ, तो इसको पहले बंद करते हैं हम लोग। तो हाइपर वी एनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे सर्च में और यहाँ पे आपको लिखना है टर्न विंडोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, तो उस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे हाइपर वी, तो मिल जाएगा आपको हाइपर वी, तो इसको पहले टिक कर देना है, उससे आपका हाइपर वी ऑन हो जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें करनी है, उसके बाद ही आपको हाइपर वी एनेबल करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही आप लोग ओके करोगे यहाँ पे सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे थोड़ी देर सर्च होगा और उसके बाद आपको ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। अब आपको पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये हाइपर वी एनेबल होगा यहाँ पे। और जैसे ही आप लोग पीसी रिस्टार्ट कर दोगे उसके बाद नॉर्मली आप लोग ब्लूस्टैक जैसे चालू करते हो वैसे करोगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है। और अब जो सेकंड मेथड है उसमें आपको नया ब्लू स्टेक्स डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें हाइपर वी सपोर्टेड है। तो ये मैं ब्लू स्टेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पाई 64 बीट वाला, जो यहाँ पे वर्जन है उसमें यहाँ पे सपोर्ट करता है हाइपर वी। तो इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोग इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो एक ही बटन में। और ये इंस्टॉल करने के बाद आप लोग फ्री फायर पीसी जो मैंने बताया वो भी खेल सकते हो और ब्लू स्टेक्स भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्री फायर पीसी कैसे डाउनलोड करके खेलना है, और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई नहीं है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको फ्री फायर पीसी के ऊपर और वीडियो चाहिए तो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दो अभी और मुझे कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है फ्री फायर पीसी अगर आपने डाउनलोड किया है तो। और बस आज वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।